असलम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद राइनीस किचन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉर्नफ्लेक्स क्रस्टेड फ़िश फ्राई रेसिपी जो कि बनाना बेहद आसान है और इतनी इजी से स्टेप्स हैं इसको बनाने के लिए क्या आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और टेस्ट तो इसका अमेजिंग है बिल्कुल की स्टाइल फ़िश फ्राई बनाएंगे आज हम वो भी बस पाँच मिनट के अंदर कोई मैरिनेशन नहीं लगाएंगे कैसे भी इसे हमें नहीं रखना है बस आपने फटाफट से इसको फ्राई करना है और गर्मा गर्म, -गर्म सर्व करना है ग्रीन चटनी सॉस जिस चीज़ के भी साथ आपके बच्चे से पसंद करें आप बनाएँ खाएँ इंजॉय करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड आइए कम्प्लीटली वीडियो को वॉच करते हैं जिससे कि कोई भी स्टेप्स मिस ना हो और बिल्कुल टेंडर जूसी एंड फ्रेश आपकी फिश फ्राई बनकर तैयार हो इसे बनाने के लिए बिल्कुल जिस तरह से नॉर्मल हम स्टू बनाने के लिए ग्रेवी में फिश बनाने के लिए जिस तरह से फिश के पीसेज लेते हैं ना बिल्कुल वही पेजेज बने लिए हैं और आप फिश फिंगर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो की मार्केट में आसानी के साथ अवेलेबल है यहाँ मैंने फ़िश को अच्छे से क्लीन कर लिया था सॉल्ट वाटर के साथ और उसके बाद भी अच्छे से रब करके वॉश किया था अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट इसके साथ साथ में मैंने रोस्टेड गार्लिक पाउडर ऐड किया है वन टीस्पून स्पून पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून उसमें ऐड कर दिया टर्मेरिक पाउडर वन टी मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर इन सारी चीज़ों को डाल देने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसिस को कमी ज़्यादा रख सकते हैं एंड यहाँ पर मैंने व्हाइट पेपर पाउडर भी इसमें डाल दिया है हाफ टी स्पून और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है कर जो कि वन टी है बिल्कुल फ्रेश कर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपने कर्ड के साथ पानी को नहीं यूज़ करना है अगर ज़्यादा पानी है तो फिर आप उसको टांग कर रख दें थोड़ी देर और फिर उसको इस्तेमाल करें ज़्यादा हमें पानी को नहीं यूज़ करना है क्योंकि अभी हम इसको फ्राई करेंगे और फिर ऑयल में जाकर वो बहुत ज़्यादा ऑयल को स्प्लिट करेगा तो यहाँ पर इस मसाले में सारे फिश पीसेस को कोट कर लिया मैंने और इस तरह से इस प्लेट पर निकाल लिया अब हम इसको कवर करके चाहें तो पाँच मिनट के लिए रख दें जब तक हमें एग बीट करना है और चाहें तो आप फ़ौरन ही इसको फ्राई कर सकते हैं अब जब तक हमें एग बीट करना था मैंने फिश को कवर करके साइड में रख दिया और दूसरी तरफ मैंने एक बोल में तीन अंडे ब्रेक करके डाल दिए हैं और यहाँ पर इसे अच्छे से विस्क करना है जिससे कि एग्स जो हैं हमारी बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए और जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा मिक्सचर फिर हम इसके ऊपर इसको फ़िश के ऊपर कोट करेंगे और जैसे कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो भी हमने लगाई हैं वो एक तरह से उनके ऊपर एक गिलाफ़ जैसा हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फ़िश को फ़्राई करते वक्त और इसलिए आपने इसको ज़रूर एग को ज़रूर यूज़ करना है अच्छे से इसको बीट कर लेना है तीन से चार मिनट तक और इसके बाद ये देख सकते हैं आप मैंने यूज़ किए हैं ये कॉर्नफ्लेक्स जो कि मैंने एक कप लिए हैं और एक से डेढ़ कप हैं ये इनको इस तरह से हमने क्रश कर लेना है और थोड़े मोटे पीसेस में बना लेना है फिर इसके बाद ये जो हमारी मैरिनेटेड फ़िश है ना इसको हम सबसे पहले डिप करेंगे एग मिक्सचर में और इसको एग जैसे ही इसके ऊपर पूरी तरह से लग जाएगा फिर हमें इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स जो है हमारे उनको अच्छे से कोट कर देना है और बहुत आसानी के साथ आप देखेंगे प्रोसीजर हो जाता है और थोड़ा थोड़ा आप कॉन्फ्लेक्स लेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगा और जितनी ज़रूरत है उतना आसानी के साथ आप फ़िश के ऊपर कोट कर सकते हैं अच्छे से इसे दबा दबा कर प्रेस करते हुए इस तरह से फ़िश को कोट कर लेना है और इसी तरह से बाकी सारे पीसेज हम रेडी करेंगे और अब आप चाहें तो जब तक फिश बनती जा रही है एक एक कोट होते जा रहे हैं फ़ौरन आप इन्हें फ्राई कर लें या चाहें तो इस तरह से कोट करके और साइड में रख लें और एक साथ भी आप इन सबको फ्राई कर सकते हैं तो जिस भी तरह से आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं आप चाहें तो अगर गेस्ट को सर्व करना है तो आप इस तरह से इसको कोट वग़ैरह करके फ्रीज करके रख लें और जैसे ही आपके गेस्ट आए ना बस आपने फ़ौरन इसको डीप फ्राई करना है और इसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं तो यहाँ पर जो भी थोड़े से लूज पार्टिकल्स थे कॉर्नफ्लेक्स के वो वाले यहाँ पर ऑयल में निकल जाएंगे लेकिन बहुत अच्छे से बाकी के जो हैं स्टिक हैं इसलिए वो आसानी से चिपके रहेंगे इसमें और इसी तरह से हमें दो मिनट के लिए एक साइड से कुक करना है और थर्टी सेकेंड्स के लिए दूसरी साइड से कुक करेंगे और बस इसको हम फिर बाहर निकाल लेंगे ऑयल में से यहाँ मैंने इसको डीप फ्राई किया है आप चाहें तो हल्का हल्का आप बटर डालकर और उसके बाद उसको अच्छे से पाँच मिनट के लिए एक एक साइड पे फ्लिप करके ठीक से कुक कर सकते हैं तो उस तरह से काम ऑयल में भी आपकी ये बहुत टेस्टी फिश बन जाती है आप भी इस हाक को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा इसी तरह से सारी फिश पीसेस को रेडी कर लेंगे और इसको सर्व करने के लिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप हरी चटनी बनाएं ग्रीन चिली और गार्लिक वाली इसके साथ फिर आप इसे सर्व करें गर्मा और ज़रूर मेरे साथ अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा और बस देखा आपने कितने आसान से तरीके से ये हमारी फिश फ्राई बनकर तैयार हुई है बिल्कुल आसानी के साथ बिल्कुल टेंडर जूसी एंड सॉफ्ट इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कि आप मुंह में रखते ही घुल जाएगी और आउटर लेयर इतनी ज़्यादा क्रंची कि आपको मज़ा आ जाएगा खाकर तो आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें एंड या चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें एंड या दिस इज़ एट फॉर माई टूडेज़ वीडियो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ अनटिल दिन अला हाफ़ टेक केयर व बाईस यू वर वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो